नमस्कार, पत्रिका टीवी के न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक दवे। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हिंदुवादियों ने किया अन्नपूर्णा सीएसपी ऑफिस का घेराव, अपने साथी के खिलाफ दर्ज केस से है नाराज। तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राणा, जिंदगी भी मांगी तो दवा से मांगी। शबे सुखन में शुमार हुए देश के प्रख्यात उर्दू शोहरात। एमवा अस्पताल में नशे में धुत 3 पुलिस वालों को दिया था चकमा, लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिजली के तार से महिला का गला घोटने की कोशिश, फिर भाग निकले बदमाश। उर्स मेले को लेकर प्रशासनिक अमला सख्त, भोजशाला में बढ़ाई सुरक्षा। संस्था अदबी कुनबा ने मंगलवार रात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागार में शबे सुखन की ऐसी अनूठी और खुशनुमा सान सजाई जिसमें अनेक शोहरात सितारे अपने लफ्जों के कासिद बनकर दर्शकों के दिलों तक नज्मों के संदेश पहुंचा रहे थे। इस मुशायरे में राहत इंदौरी, मुनव्वर राणा, वसीम बलरेवी जैसे अनेक ख्यात शायरों ने शिरकत की। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए, अहल ए महफिल को शक्कर खुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ, मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। लड़खड़ाते कदमों से मंच पर उतरे मुनव्वर राणा ने कल रात फिर एक बार अपने काफिये के कफस में इंदौर की रूह को बांध लिया, लेकिन भावुक होकर वे अपने अश्कों को पलकों में बांध ना सके। अदबी कुनबा ने मंगलवार रात विश्वविद्यालय सभागृह में शब ए सुखन की ऐसी खुशनुमा सांझ सजाई जिसमें ख्यात शोहरात सितारे लफ्जों के कसीदे बनकर दर्शकों के दिलों तक नज्मों के संदेश को पहुंचा रहे थे। उनकी मुराद है यही, उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी जिसने जरा बढ़ाई लौ उसको बुझा दिया। उनकी मुराद है यही। मुशायरी की शमा जलाते ही कौमी इत्तेहाद का परिचय देते हुए इंदौर के श्रेष्ठतम साहित्यकार प्रोफेसर सरोज कुमार को तहजीबी संगम पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सरोज कुमार ने अपनी बात कहते हुए कहा कि कितनी अजानों को कितनी आरतियों के निकट लाएं कि टोटल कर्फ्यू में नहीं आए, ताकि नदियों में खून नहीं केवल पानी बह पाए। ये देश तहजीबों का देश है, लेकिन हिंदी और उर्दू जैसी जुड़वा बहनों को तोड़ने के लिए कई राजनीतिक डॉक्टर्स लगे हैं। गनीमत है कि वे अब तक साहित्य को अलग नहीं कर पाए हैं। हवा से कहती लगती है, लहराती बल खाती चिड़िया, हवा से कहती लगती है उड़ने पर आओ तो दुनिया कितनी छोटी। तेजाबी लफ्ज और लहजे के मालिक शायर मुश्ताक अहमद ने अमीरी गरीबी के भेद पर जो ही अपना शेर पढ़ा, अजीब खेल है दुनिया में अहद ए दुनिया का, है उनका धूप मुकद्दर जो अब्र वाले हैं, किसी की कोठी यहाँ पर किसी की कुटिया है, मगर मकीन तो सारे कब्र वाले हैं। दर्शक तालियां बजाने से खुद को रोक ना सके। तुम जो बदल रहे थे जमाने के साथ साथ, कैसा नजर बचा के समान। और दो शेर और सुने, अर्ज किया है कि ये बात दोस्तों दुश्मनों से नहीं दोस्तों से पूछ, ये बात दुश्मनों से नहीं दोस्तों से पूछ, यकलख्त हम पे बंद हुआ आबुदाना क्यों। शहर की शब में शायरी की शबनमी मिठास खोलने वाले शायर राहत इंदौरी ने जनता का सबसे पसंदीदा शेर
कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया से दिल जीत लिया। अपने शायराना तसव्वुर से सुनने वालों को तसव्वुस की ओर ले जाते शोहरात वसीम बरेवली ने भी इंदौर की दिली गहराइयों को छुआ। शोक अंदाज के अशार पढ़ मुजफ्फर हनफी ने महबूब की जुल्फों को कुरेदती हुई गजलें पेश की, जिसे सुनकर कई उम्रदराज दर्शकों को अपना समय याद आ गया। बड़े शायरों को सुनने के लिए जनता को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन कुर्सियां आखिर तक खाली होती नहीं दिखाई दी। फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी मुद्रा नहीं था और दिसंबर आ गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज अन्नपूर्णा सीएसपी का घेराव कर दिया। उनका कहना था कि उनके एक साथी पर शासकीय कार्य में बाधा बनने का केस दर्ज किया गया है, जिससे वे सभी लोग भड़क चुके हैं। जल्द ही इस मामले पर जांच की जाएगी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज अन्नपूर्णा सीएसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। पूरे शहर भर से कार्यकर्ता धरना देने के लिए पहुंचे थे। वे अपने साथी पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज करने पर भड़के हुए थे। इन कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उनके साथी को बेवजह गिरफ्तार किया गया है। इंदौर शहर के मध्य में व्यस्ततम चौराहे माने जाने वाले रिगल चौराहे पर आज एक व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। दरअसल उस व्यक्ति ने हाथ में एक तख्ती थाम रखी थी, जिसके माध्यम से उसने हेलमेट पहनने का संदेश सभी को दिया। ये व्यक्ति पिछले कई दिनों से भवरकुआ नौलखा जैसे अनेक चौराहों पर हाथ में तख्ती लेकर हेलमेट पहनने का संदेश दे रहा है। शहर में कई बार हेलमेट को लेकर मुहिम चलाई गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। टू व्हीलर चालक हेलमेट पहनना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जैसे ही पुलिस और यातायात विभाग की मुहिम कुछ ढीली होती है, वाहन चालक हेलमेट पहनना छोड़ देते हैं। ऐसे ही चालकों को रास्ता दिखाने के लिए एक व्यक्ति ने मुहिम चलाई है। वह हाथ में मैं जिंदा हूं अभी की तख्ती लिए लोगों को हेलमेट दिखाते हुए हेलमेट पहनने की हिदायत दे रहा था। किला मैदान पर स्थित न्यू जीडीसी कॉलेज में कुछ छात्रों को बाहर के लोगों ने स्मार्टफोन बांटना शुरू कर दिए, जिसे देखकर एबीवीपी के कुछ छात्र नेता भड़क गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। किला मैदान के जीडीसी कॉलेज कैंपस में कुछ लोग छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांट रहे थे। उनकी गतिविधियों को देखकर छात्र नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। एबीवीपी के छात्र नेताओं का आरोप था कि कैंपस में इस तरह मोबाइल बांटना गलत है। महेश्वर उपजेल से इंदौर के एम्बाय अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया एक कैदी तीन पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। दरअसल तीनों पुलिसकर्मियों ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि वे खड़े होने की स्थिति में नहीं थे और वे अपने कैदी को संभाल नहीं पाए। कैदी वहां से भाग निकला। वो कैदी अपने पत्नी से हुए एक विवाद के चलते उपजेल में बंद था। अब उसे एम्बाय अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया है और कई बड़े अफसरों ने इन लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की है। देर रात एम्बाय अस्पताल में खरगोन पुलिस का प्रधान आरक्षक प्रहलाद, सिपाही कैलाश और एक अन्य महेश्वर उपजेल से कन्हैया नामक कैदी को उपचार के लिए लेकर आए थे, लेकिन अस्पताल आने से पहले ही तीनों पुलिसकर्मियों ने इतनी शराब पी रखी थी कि वे ठीक से चल और बोल नहीं पा रहे थे। अस्पताल की कैजुअलिटी में भी वे हंगामा कर रहे थे। इस दौरान वो कैदी किसी तरह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। इधर घटना के बाद हंगामा हुआ, तब उनमें से दो पुलिसकर्मी खुद भी भाग खड़े हुए। अस्पताल से घटना की जानकारी मिलते ही रात्रि गश्त कर रहे एएसपी रुपेश द्विवेदी सहित अन्य अफसर तत्काल एमवाई अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कैदी कन्हैया को एमवाई परिसर में ही धर दबोचा। कन्हैया ने अफसरों को बताया कि पत्नी से भरण पोषण को लेकर विवाद के चलते उसे महेश्वर जेल में बंद किया गया था। मल्लेश्वर से एक कैदी को यहाँ पर इलाज के लिए लाए थे और दो तीन जवान साथ में हैं
उनकी स्थिति थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं दिख रही थी, अभी उनको भेजा है, अंदर गए हैं, कैदी का इलाज करवा रहे हैं। किस तरह की स्थिति सर लग रही है, कुछ नशे में है या कुछ किस तरह से? हाँ, कुछ ऐसा लगा कि शायद कुछ ठीक स्थिति नहीं है, सामान्य नहीं है। जुनिंदौर शमशान घाट के सामने बने एक घर में कल कुछ बदमाश घुस आए और वहां रहने वाली अकेली महिला के साथ मारपीट की। मारपीट तक में नहीं थमे, उन्होंने तार से उस महिला का गला घोटने का भी प्रयास किया। दरअसल बदमाश चोरी के लिए नहीं बल्कि उस बुजुर्ग महिला की हत्या के उद्देश्य से घर में घुसे थे। जैसे ही महिला ने शोर मचाया, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वे दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। यह वारदात मनु यादव नामक महिला के साथ हुई है। उनके भतीजे राजेश यादव ने बताया कि बुआ घर में अकेले रहती हैं। कल देर रात बदमाश घर के पीछे के हिस्से से ग्रिल काटकर अंदर घुस आए थे। बदमाशों के घर में घुसने पर मनुबाई की नींद खुल गई थी। उन्होंने शोर मचाया तो दोनों बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट की। एक बदमाश ने बिजली के तार से गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे वह बदमाशों की चंगुल से मुक्त हुई और भागते हुए शोर मचाया। वहां पर आसपास कुछ हम्माल काम कर रहे थे, उन्होंने शोर सुना तो मदद के लिए आए, लेकिन बदमाश जिस रास्ते से आए थे वहीं से भाग निकले। जाते जाते बदमाश वहां पर लगे कैमरे तोड़ गए हैं। टेक्नीशियन को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंदौर की कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां बड़ा गणपति से लेकर राजमहल्ला चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन ये काम इतने लंबे समय से चल रहा है कि लोगों को आए दिन इस कार्य से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिनसी से बड़ा गणपति चौराहा होते हुए राजमहल्ला चौराहे तक रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी के साथ ड्रेनेज लाइन का भी काम हो रहा है। काम को करने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये काम लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल विकास सम्मेलन का आयोजन बुधवार को आईटीआई ग्राउंड में किया गया। ये आयोजन देवास में हुआ, जिसमें पधारे मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि वे जल्द ही बेरोजगारी का अंत करने का निर्णय लेंगे। स्वरोजगार और कौशल सम्मेलन का आयोजन देवास के आईआईटी ग्राउंड में किया जा रहा है। इसमें मंत्री दीपक जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बेरोजगारी का अंत करने के लिए इस तरह का स्वरोजगार एवं कौशल विकास मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। आज पटवारी के लिए सीट्स कम है और फॉर्म की संख्या ज्यादा, इसलिए हमें अपने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना होगा। धार में गुरुवार से शुरू होने वाले उर्स मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी और व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। क्योंकि धार के भोजशाला का विवाद नया नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी का सामना न करना पड़े, इसलिए प्रशासन ने पहले से ही मुस्तैदी बरत ली है। इस शुक्रवार धार में उर्स का मेला शुरू हो रहा है। इसके चलते बुधवार को एडिशनल एसपी अजय सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने भोजशाला में जाकर निरीक्षण किया। यहां से सब्जी व अन्य दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि धार की भोजशाला के मुद्दे को लेकर सभी बेहद संवेदनशील है, इसे लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद की पूरी व्यवस्था कर ली है। धार विधायक नीना वर्मा के खिलाफ कोर्ट में लगे केस में स्टे मिलने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज जश्न मनाया। गौरतलब है कि बाल मुकुंद गौतम ने चुनाव में गड़बड़ी होने और वोटिंग में कुछ गलती होने का आरोप नीना वर्मा पर लगाया था। धार में चुनाव के समय बाल मुकुंद सिंह गौतम मात्र एक वोट से ही हारे थे। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में परिवाद लगाया था कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है। इस परिवाद पर विधायक नीना वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है। स्टे मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बात का जश्न मनाया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए पत्रिका टीवी के साथ। मुझे यानी हार्दिक दवे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।